हेलो, आज हम नेटवर्क एनालिसिस की दो मेथड्स सीपीएम और पार्ट को एग्जांपल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों मेथड्स टाइम ओरिएंटेड मेथड्स हैं। सीपीएम का मतलब है क्रिटिकल पाथ मेथड, ये एक्टिविटी बेस्ड टेक्निक यूज पे डिपेंड करता है। पार्ट के फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये थ्री टाइम एस्टिमेशन मेथड है जिसको कि हम एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। इन मेथड्स के द्वारा हम क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फाइंड आउट करेंगे। एक एग्जांपल पहले लेते हैं हम क्रिटिकल पाथ मेथड का। एक्टिविटीज आपको दे रखी हैं 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 9, 5, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 8, 8, 10 और 9, 10, इनको हमने ABCDEF इस तरह से लेटर से भी डिनोट कर रखा है। इनके आगे इनका टाइम लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड टाइम लिखा हुआ है 4, 1, 1, 1, 6, 5, 4, 8, 1, 2, 5, 7। इसके द्वारा हमने इसका एक नेटवर्क ड्रा करना है, फ्रेम ड्रा करना है, फिर क्रिटिकल पाथ ज्ञात करना है। इसको किस तरह से करते हैं ये हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेम बनाते हैं, क्रिटिकल पाथ का फ्रेम बनाते हैं। एक्टिविटी एक स्टार्ट हुई 1, 2, तो 1 से 2 हमने दे दी और 1, 3, 1 से 3 हमने शो कर दी। नेक्स्ट एक्टिविटी है 2, 4 और 3, 4, तो 2 से 4 हमने शो कर दी और 3 से 4 हमने शो कर दी। नेक्स्ट है 3, 5 और 4, 9, तो 3 से 5 हमने शो कर दी और 4 से 9, तो हमने 9 यहां पर ले लिया। फिर एक्टिविटी है 5, 6 और 5, 7, तो हमने 5, 6 शो कर दी और 5, 7 शो कर दी। फिर है 6, 8 और 7, 8, यानी 6 से 8 और 7 से 8। फिर है 8 से 10 और 9 से 10, 8 से 10 और 9 से 10। ये हमारा नेटवर्क दी गई एक्टिविटीज के हिसाब से ड्रा हो गया। इसके ऊपर हम टाइम जो इस पे दिया गया है वो लिख लेते हैं। 1, 2 का 4, 1, 3 का 1, 2, 4 का 1, 3, 4 का 1, 3, 5 का 6, 4, 9 का 5, 5, 6 का 4, 5, 7 का 8, 6, 8 का 1, 7, 8 का 2, 8, 10 का 5 और 9, 10 का 7। इस तरीके से हमने इसके ऊपर टाइम डाल दी है। अब हमें इसका क्रिटिकल पाथ निकालना है, तो हम जोड़ते हुए चलेंगे LST और EST को और मैक्सिमम टाइम निकालेंगे। 1 से 2, 4, 1 से 3, 1, 2 से 4, 4 के बाद 1 जोड़ा 5, लेकिन ये यहां से भी आ रहा है, तो देखें तो 1 और 1, 2 जो मैक्सिमम है वो लिखेंगे 5। 3 से 5, 1 और 6, 7, 5 से 9, 5 और 5, 10, 5 से 7 जाएं तो 7 में 8 जोड़ के हम ले लेंगे 15, और 5 से 6 जाएं तो 7 और 4, 11, 6 से 8, 11 और 1, 12 आता है, इधर 15 और 2, 17 आता है, तो हम यहां लिखेंगे जो ज्यादा है 17। यहां 10 और 7, 17 आता है, लेकिन 17 और 5, 22 आता है, तो हम लिखेंगे 22। इस प्रकार हमारा जो मैक्सिमम जोड़ हमने इस पे लिख दिया है। अब हम इसको वापस रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं और फिर देखते हैं, अगर ये 22 टाइम था तो यानी 22 ही इसका फिनिशिंग टाइम है। 22 में से 5, 17, 22 में से 7 गए आपके
तो 15 आता है, यानी यहां पर फ्लोटिंग टाइम है आपके पास। 17 में से 2 गए आपके 15, 17 में से 1 गए आपके पास टाइम है 16, 15 में से 8 गए 7, और 16 में से अगर 7 गए तो 9, लेकिन चूंकि यहां 8 का टाइम है और 15 में से 8 गए तो हम यहां 7 ही लिखेंगे क्योंकि इसका एंड टाइम 7 ही आएगा। इधर से चले हम, 15 में से 5 गए तो ये 10 का टाइम बचा हुआ है, 10 में से 1 गए 9, लेकिन 7 में से 6 गए 1 तो ये 1 ही आएगा। 10 में से 1 गए यहां पर फिर लिखेंगे 9, और 9 में से 4 गए 5, लेकिन 1 में से 1 गए 0 तो यहां 0 आ जाएगा टाइम। जो इक्वल है वो हमारा क्रिटिकल पाथ हो जाएगा, जहां इक्वल नहीं है वो हमारा क्रिटिकल पाथ नहीं बैठेगा। फाइंड आउट कर लेते हैं हम कि हमारा क्रिटिकल पाथ क्या आता है। 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 8 और 8, 10, यानी कि क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज जो हमने फाइंड आउट की वो है 1, 3, 5, 7, 8, 10, और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है हमारी 22 यूनिट्स, चाहे वो मिनट्स हो, चाहे डेज हो, चाहे जो भी हो, वीक्स हो। इस तरह से हम नेटवर्क ड्रॉ करके उस पर टाइम लिख करके ईएफटी और एलएसटी ज्ञात करके क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, अब की बार हम पार्ट 3 टाइम एस्टीमेशन निकालते हैं। ये एग्जांपल पार्ट का है, प्रोजेक्ट इवेल्यूशन एंड रेटिंग टेक्निक। इसमें 3 टाइम्स होते हैं, T0, TM और TPO। CPM में हमने जहां देखा एक ही टाइम दिया जाता है, यहां पहले हमें 3 टाइम देते हैं, उससे हमें एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड टाइम निकालना होता है, TE एक्सपेक्टेड टाइम, फिर हम क्रिटिकल पाथ बनाएंगे। TO जो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहलाता है, कम से कम समय। TM मोस्ट लाइकली टाइम, जो जनरल एक्सपीरियंस है, और TP पेसिमिस्टिक टाइम, जो मैक्सिमम टाइम हमें देता है। फार्मूला हमारा TE निकालने का है, TO प्लस 4TM प्लस TP बाय 6। एक्टिविटीज हमें दे रखी हैं 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 6, 4, 7, 5, 7 और 6, 7, और हर एक्टिविटीज के 3 टाइम दे रखे हैं। इससे हम TE फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला ये यूज करते हैं, T0 प्लस 4TM प्लस TP बाय 6। तो 6 को 4 से गुणा किया 24, और 12 36 और 6 से भाग दिया तो 6 आ गया। यहां पर 3 को 4 से गुणा किया 12, और 12 24 और 6 से भाग दिया तो 4 आ गया। इस तरह से अगर हम उन सबको फाइंड आउट करते जाएं तो 9, 2, 7, 8, 5, 10, 4 और 8, टी हमने इन 3 टाइम एक्सपर्ट से हर एक्टिविटीज का निकाल लिया। इसके बाद हम नेटवर्क बनाएंगे। पहला है 1, 2, ये 1 से हमने ले लिया 2। दूसरा है 1, 3, तो 1 से हमने ले लिया 3। फिर है 1, 4, तो 1 और है तो हमने 1 और ले लिया 1, 4। फिर है 2, 4, तो 2 से 4 को मिला दिया। फिर है 3 और 4, तो 3 से 4 को मिला दिया। 10 उसके बाद आता है 3 से 5, तो हमने एक एक्टिविटी ले ली 3 से 5। फिर है 4 से 6, तो एक एक्टिविटी हमने ले ली 4 से 6। फिर है 4 से 7, तो हमने एक एक्टिविटी ले ली 4 से 7। 5 से 7, तो 5 से 7 मिला दिया, और 6 से 7, तो 6 से 7 मिला दिया। तो ये हमारा
नेट प्लॉट ड्रा हो गया। इस पे हम एक्सपेक्टेड टाइम टी जो हमने फाइंड आउट किया है वो लिख देते हैं, 1, 2 का 6, 1, 3 का 4, 1, 4 का 9, 2, 4 का 2, 3, 4 का 7, 3, 5 का 8, 4, 6 का 5, 4, 7 का 10, 5, 7 का 4 और 6, 7 का 8। इस तरह से हमने इनके ऊपर टाइम लिख लिया। अब वही स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग टाइम 0, ये 6 आ जाएगा, ये इस तरह से चलेंगे तो 9 आएगा और इस तरह से चलेंगे तो 8, तो जो मैक्सिमम है हम उसी को लेके चलेंगे 9 इस हिसाब से। इधर से अगर लेंगे तो 4 आ जाएगा और इधर से लेंगे तो 11, तो ये 9 भी नहीं रहेगा, ये 11 हो जाएगा। 4 से 8 जोड़ेंगे तो ये 12 है, 11 में 5 जोड़ेंगे ये 16 है, अब 11 में 10 जोड़ेंगे तो 21 आ रहा है, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 आ रहा है और 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 आ रहा है। तो मैक्सिमम है 24, तो 16 और 8 24। वापस रिटर्न करते हैं, 24 में से अगर 4 घटाएंगे तो यहाँ 20 रह जाएगा, 24 में से 10 घटाएंगे तो एक बार को 12 आ रहा है यहाँ, लेकिन 24 में से 8 घटाएंगे तो 16 आता है और 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 आता है। 11 लिखेंगे यहां पर हम, 11 में से 7 नीचे लेके जाएंगे आप तो यहाँ 8 आता है, और 20 में से 8 लेंगे तो 12, तो यहाँ 8 लिखा हमने। 11 में से 2 लेके गए यहां पर हम वापस माइनस में नीचे की तरफ, या 11 में से पहले 7 लेके गए तो ये 4 आता है, तो इस 8 की जगह भी हम यहाँ 4 लिखेंगे क्योंकि मिनिमम टाइम लेना है हमने। 11 में से 2 नीचे गए तो यहाँ 9 आता है, 11 में से 9 गए 2 नहीं लिखेंगे, 9 में से 6 3 ही लिखेंगे, फिर 4 में से 4 गया तो 0 लिखेंगे। जहां इक्वल है उस पाथ को हम ढूंढ लेंगे, वो हमारा क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। जैसे इस नेटवर्क में अगर हम ढूंढने जाएं तो 0 से ये 4-4 है, यहां पर 11-11 है, यहां 6-6 है, ये भी ले सकते थे लेकिन यहां से 4 से 7 11, यहां 11 इस तरह से आता है, ये 9 ही आता है, ये इस तरह से आ गया 11, सीधे नहीं जाएंगे 11 पे हम। 4 के बाद हम चले ये 16-16 पे जाएंगे यहां हम, और फिर हम 24-24 पे जाएंगे। इस तरह से ये हमारा क्रिटिकल पाथ है जो कि एक्टिविटी शोज करेगा। एक्टिविटीज हैं हमारी 1, 3, 4, 6 और 7, और प्रोजेक्ट की हमारी जो ड्यूरेशन हमने निकाली है वो है 24 यूनिट्स। इस तरह से हम 3 टाइम एस्टीमेशन से या सिंगल टाइम एस्टीमेशन से किसी भी प्रोजेक्ट के दिए गए टाइम्स के अनुसार उस प्रोजेक्ट की टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। कॉस्ट रिडक्शन में, टाइम रिडक्शन में ये बहुत काम आती हैं टेक्निक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं ये। इसके द्वारा हम पहले से एस्टिमेशन लगा के काफी कुछ कर्टेल कर सकते हैं।